वेलकम टू चट्ठा मीठा। आज की रेसिपी है केक की। शुरू कीजिए। 3 अंडे लेकर के पहले क्रैक करके उसे एक बाउल में डाल लीजिए। और ये हम बना रहे हैं, मतलब हमने कुकर में केक बनाया था, तो 2 मीडियम साइज्ड कटोरे में केक बनाया है, उसके लिए 3 अंडे चाहिए होंगे, तो आप अपने हिसाब से उसे देख लीजिए। ये हम मर्फी का हैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, अंडे को ब्लेंड कर सकते हैं। पहले तो हम हाथ से ही करते थे, बट हैंड मिक्सर से कीजिए। 2 से 3 मिनट हैंड मिक्सर को लगेगा, और अगर आप हाथ से करेंगे तो 6-7 मिनट में हो जाएगा। एकदम फ्रॉथी और लाइट हो जाना चाहिए अंडा, एकदम हल्का हो जाना चाहिए। इसके बाद हम चीनी पीस लेंगे, तो 1 बाउल चीनी लेना है। हम सारे मेजरमेंट के लिए ये साइज़ का बाउल ले रहे हैं, तो 1 बाउल चीनी ले लेना है और उसको ग्राइंड करके पाउडर, फाइन पाउडर बना लेना है। उसे अपने मिक्सर में ऐड करके उसे भी ब्लेंड कर लीजिए। केक में यही है, आपको ब्लेंड करना है, एकदम सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, स्मूथ बैटर फॉर्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा वाइट हो जाएगा आपका बैटर, और इस तरह से एकदम सब कुछ मिल जाना चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम जिस बाउल में हमने चीनी लिया था, उसी बाउल में हम 2 बाउल मैदा लेंगे। तो पहला बाउल अभी डाला है, एंड देन बेकिंग पाउडर डाला। अब 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालना है। इसको डालिए और छान लीजिए, क्योंकि कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए, केक का बैटर एकदम स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। एक और बाउल मैदा, जो हमें 2 बाउल डालना है, तो वो डाला है। और ये 1/4 कप कोकोआ पाउडर है, वो भी डाल दीजिए। हमने इस कंपनी का यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, ऑब्वियसली टेस्ट एनहांस करता है। 1 टीस्पून के अराउंड, या फिर 1 सैशे ले लीजिए और उसको भी छान के बैटर में मिला लीजिए। और अब इन सबको अच्छे से स्मूद होने तक मिक्स करना है। इतना अच्छा लगता है छनते हुए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट आप ब्लेंड कर लीजिए। हमेशा याद रखिए, धीरे से स्टार्ट कीजिए ब्लेंड करना और फिर स्पीड बढ़ाइए। तो ये हमने ब्लेंड किया, थोड़ा बहुत उड़ भी रहा था, बट वही है, ध्यान से करना है। हाथ से भी मिला सकते हैं, हाथ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, हाथ में दर्द ज़रूर हो जाता है, पर केक में मिक्सिंग ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो केक बनाना बहुत आसान है, बहुत थेरेप्यूटिक होता है। नेक्स्ट अब इसमें 1 बाउल ऑयल, हम सारे मेजरमेंट्स के लिए एक ही उससे ले रहे हैं, एक ही बाउल यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप कोई कप या कोई बाउल, कोई कटोरी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना। हाँ जी, तो ऑयल का कोई ये नहीं है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी खाने वाला तेल होता है। और इसमें फिर 1 बाउल दूध मिला लेना है, वही सेम बाउल जिसमें हमने चीनी, मैदा और ऑयल लिया, वही सेम मेजरमेंट है। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और फिर मिक्स कीजिए, उससे अच्छे से मिल जाता है। और आपको पता चलेगा कि कितने की ज़रूरत है, बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, एकदम स्मूथ सिल्की बैटर रेडी हो जाएगा। अब उसमें हम 1/4 कप पानी डाल रहे हैं। पानी डालना ज़रूरी नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं, उसके जगह दूध और डाल सकते हैं, पर पानी डालने से केक बहुत ही फ्लफ़ी और स्पॉन्जी होता है, तो डाल लीजिए 1/4 कप पानी। और लास्ट स्टेप है वनीला एसेंस, तो 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लीजिए। अच्छी खुशबू आती है उसकी, चॉकलेट केक है बट फिर भी वनीला एसेंस डाल सकते हैं, टेस्ट इन्हांस हो जाता है स्मेल की वजह से। और हर चीज़ को अच्छे से मिला लीजिए। एक बार आप एक स्पैचुला से अपने हाथ से फोल्ड कर लीजिए, उससे क्या होगा कि बैटर, आपको पता चलेगा कि एकदम ही स्मूथ बैटर रेडी हो गया है कि नहीं, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और ये हो जाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे, ताकि बैटर सेट हो जाए। अब कुकर को प्री हीट होने के लिए रखना है, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, अवन होता तो उसको प्री हीट करते। कुकर को 10 मिनट या 5 मिनट के लिए प्री हीट होने दीजिए,
और एकदम ही लो फ्लेम पर रख दीजिए, सीटी के बिना, विसल के बिना। देन इसी कटोरे में हम बनाएंगे केक को, तो इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि केक चिपके नहीं, और उसको मैदा या फिर आटे से डस्ट कर लीजिए ताकि एक कोटिंग सी बन जाए, केक जले नहीं, चिपके नहीं। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे, तो अब हम इसमें बैटर डाल लेंगे जो कि बहुत ही स्मूद है। आई लव दिस, इट्स सो सैटिस्फाइंग। हमने इस बैटर में से 2 केक बनाए थे मीडियम साइज, अब कुकर प्रीहीट हो चुका होगा तो उसको खोलना है ध्यान से, बहुत गर्म होगा। आराम से उसको खोलिए और एक स्टैंड या फिर एक स्टील का प्लेट ले लीजिए, जो भी आपको यह है कि थोड़ा ख़राब होगा। तो उसको, हमारे पास ये स्टैंड था, उसको डाल लिया अंदर और अब हम उसमें कटोरा रख लेंगे। याद रहे कुकर को प्रीहीट ज़रूर कीजिए वरना केक उठेगा नहीं, क्योंकि प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना विसल के, सीटी नहीं लगानी है बिना विसल के। तो सबसे पहले कुकर को 2 मिनट हाई फ्लेम पे रहने दीजिए और उसके बाद एकदम लो फ्लेम कर दीजिए फॉर 50 मिनट्स। आपको खुशबू आने लगेगी, आपका केक रेडी। ये हमारा केक रेडी हो गया है एंड ओ माय गॉड, इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये ऊपर फट के आ जाना इज द निशानी कि आपका केक बहुत अच्छा बना है। उसमें टूथपिक या फिर चाकू डाल करके देख लीजिए कि कोई गीला बैटर तो नहीं आ रहा, अच्छी तरह से पक गया है। और उसके बाद फिर उसे निकाल लीजिए, गर्म में निकाल लीजिए तो बेहतर होगा। और ये नीचे मैदा का थोड़ा सा ये रह गया, आप उसको स्क्रेप कर सकते हैं बहुत आसानी से और केक लुक्स सो डिलिशियस। अगर आप पार्टी के लिए या ऐसे बना रहे हैं तो आप ये ऊपर वाला लेयर काट लीजिए और उसके ऊपर फिर क्रीम लगा लीजिए, बट हम तो ऐसे ही खाएँगे, बहुत अच्छा लगता है। ये उठकर आना ही आपके केक के बेहतरीन बनने की निशानी है। और ये थोड़ा सा चीनी पाउडर है जो हमने बचा के रखा था, इसको जो है आप डस्ट कर लीजिए। इससे बहुत देखने में पहली बार बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्नोई सा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये कैडबरी चॉकलेट है जिसको हमने ग्रेट कर लिया था और इसको भी स्प्रिंकल कर लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी टॉपिंग दे सकते हैं, किसी भी चीज़ से उसको क्रीम से कवर कर सकते हैं। एंड डिलिशियस लुकिंग केक इज़ रेडी। अब हम कट करके दिखा रहे हैं कि कितना स्पॉन्जी और कितना फ्लफी बना है। बहुत ही टेस्टी था। हमने अभी, ये दूसरा दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और केक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत यमी केक बना है, बहुत इजी रेसिपी है एंड यू आर गोइंग टू लव इट।